मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आपसे आग्रह है कि ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और हां, सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य दबाएं, ताकि लगातार आपको वीडियो मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाबा गौरिया एक धार्मिक देव गाथा से जुड़ी गाथा है। गौरिया कुमाऊं का अत्यंत लोकप्रिय देवता है। यह गाथा देवता और मानव के बीच की कड़ी प्रस्तुत करती है। गौरिया के पूर्वार्ध की कथा शिव पुराण, रुद्र संहिता, पार्वती खंड एवं ब्रह्म वैवर्त पुराण, कृष्ण जन्म खंड से ली गई है। समस्त उत्तराखंड के गौर वैभव, बाला गौरिया, गवेल जेऊ, गोलू देवता आदि कई नामों से पूजा जाता है। आज भी भक्त जन कागज में अर्जी लिखकर न्याय देवता के मंदिर में पुजारी को देते हैं। पुजारी लिखित अर्जी पढ़कर न्याय देवता को सुनाते हैं, फिर यह अर्जी मंदिर में टांग दी जाती है। कई लोग सरकारी स्टैम्प पेपर पे अपनी अर्जी लिखते हैं। गोली देवता न्याय के देवता हैं, वह न्याय करते हैं। मन्नत पूरी होने पर लोग मंदिर में घंटियां बांध। पर्वतीय लोक कला मंच दिल्ली के तत्वाधान में स्पट कथा काल संगीत में कुआउनी नाटक की तैयारी दिल्ली के एक बड़े हॉल में की जा रही है। इस नाटक में राजा प्रजा आदि का अभिनय दिल्ली NCR के कलाकार अपना पसीना बहाकर नियमित कर रहे हैं। इस नाटक मंच की भव्य प्रस्तुति 12-13 मई 2018 को राजधानी दिल्ली के प्यारेलाल भवन सभागार में शाम 6 बजे प्रस्तुत की जाएगी। इसकी पटकथा मंजे हुए रंगमंच कलाकार एवं पटकथा लेखक श्री हेमपंत ने लिखी है। इस प्रसिद्ध गाथा का निर्देशन गंगाधर भट्ट एवं हेमपंत द्वारा किया गया है और संगीत निर्देशन चंचल प्रसाद का है। आइए पर्वतीय लोक कला मंच के मंजे हुए रंगमंच कलाकारों से इस लोकप्रिय धार्मिक गाथा मंचन की चल रही तैयारी के संबंध में जानकारी ली। चंचल प्रसाद जी, आपने अब तक सैकड़ों रंगमंचों पर म्यूजिक दिया है, आज उत्तराखंड के धार्मिक रंगमंच की आप तैयारी कर रहे हो, म्यूजिक दे रहे हो, उसमें आपको कैसा लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तीर्थ कर रहा हूँ, मैं एक बहुत धार्मिक काम कर रहा हूँ, क्योंकि जो गोलजू देवता हमारे यहाँ हैं, जो बालाजी हैं, जिनको गोलजू देवता हैं, उनकी घर घर में, हर हृदय में उनकी बहुत जबरदस्त मान्यता है, और वो एक किस्म के क्या क्या आध्यात्मिक अंतिम माने, आध्यात्मिक में अंत माने जाते हैं हमारे यहाँ, और हर घर में, हर जगह, हर जंगल में, हर जगह उनके मंदिर हैं, और वो हर हृदय के देवता हैं। उनके बारे में, उनकी सेवा करने में मुझे आत्मिक आनंद आ रहा है, और ये मेरे तीर्थ है एक किस्म। तो ये माने कि इस रंगमंच में संगीत देने से आपको ऐसा लग रहा है कि आप तीर्थ यात्रा कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल यही लग रहा है मुझे कि कोई बड़ा भारी काम, बड़ा धार्मिक काम कर रहा हूँ। संगीत का जो अपने संगीत फॉर द सेक ऑफ संगीत अलग है, उसका देना तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक आध्यात्मिक पर्पज के लिए संगीत को देना, उसमें पैसे का कोई वो नहीं है, कोई मनमालिक वो नहीं है, सिर्फ सेवा की भावना है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा मुझे, और मैं चाहता हूँ कि कहीं भी मुझे ऐसे मौका मिले मैं फिर करूँ, दोबारा करूँ। हेमपंत जी, बाला गौरिया नाटक का आपने एक निर्देशन भी कर रहे हैं और आपने उसकी पटकथा भी लिखी है, लेकिन इस पटकथा में विशेष क्या है? ये तो आध्यात्मिक है, ये तो पौराणिक है, इसमें अलग से आपने क्या लिखा है बताएं? ऐसा है, बाला गौरिया का मंचन इससे पूर्व कई संस्थाओं ने, कई ग्रुप्स ने किया है। बाला गौरिया के बारे में उनकी जो विशेषता है, वो न्याय के देवता माने जाते हैं, और उसके न्याय के देवता के रूप में उनकी जो भी कृतियां हैं उनको दिखाने का निरंतर प्रयास रहा है, क्योंकि वो एक ऐसे अधिपति देवता हैं, और विशेष रूप से उत्तराखंड के उस हिमाचल खंड में तो उनका नाम सब लोग जानते हैं, सब लोग उनको बहुत सेवा भाव से पूजते हैं। मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि बाला गौरिया का जो ये आज इतना महत्व है, इसका कहीं ना कहीं कोई ओरिजिनेशन, इसका कहाँ से प्रारंभ हुआ, उस प्रारंभ को जानने की मेरी इच्छा रही, और मैंने फिर इस प्रकार की पुस्तकों का को पढ़ा, उनको उसको उनका फिर मनन किया, और मनन करने के बाद मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि केवल बाला गौरिया का जो न्याय के प्रति स्वरूप दिखाया जाता है वो दिखाने से अच्छा इसका एक प्रारंभ, इसका एक ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ, उसको दिखाने की जो जिज्ञासा थी, मैंने लगभग 3 महीने इस पर बहुत पूरी पूरी रात बैठकर काम किया। मैंने कुछ लोगों को जुगल किशोर पेठशाली, नवीन बिष्ट और पर्वतीय कला केंद्र के BL शाह, इन सब की मैंने पुस्तकें और इनके नाटकों को पढ़ा, और उसके बाद फिर मैंने इसका लेखन किया, और अब हम इसकी प्रस्तुति कर रहे हैं। पर्वतीय लोक कला मंच 12 और 13 मई को दिल्ली के प्यारेलाल भवन सभागार में
दोनों दिन इस नाटक को दिखा रहा है। सायं 6 बजे हम लोग इस नाटक का मंचन कर रहे हैं। तो मेरी यही इच्छा है कि सभी लोग जो इसको देखना चाहेंगे वो अपना समय निकाल कर इसको नाटक को देखेंगे। पंत जी, 12 और 13 मई को एक नाटक मंचन आप कर रहे हैं प्यारेलाल भवन ITO दिल्ली में, तो जो आप इस रंगमंच के और इस नाटक के जो शुभचिंतक हैं या श्रोता हैं वो क्यों देखने आए हैं, ऐसा क्या विशेष है इसमें? देखिए, ऐसा है, पर्वतीय लोक कला मंच अपने 30 वर्ष पूरे कर रहा है और अब तक की जितनी प्रस्तुतियाँ हैं हमें दर्शकों ने इतना अपार प्रेम दिया है, इतना स्नेह दिया है, इतना प्यार दिया है कि हमारा हर जो भी शो रहा है उसमें दर्शकों ने खचाखच भरकर उसका आनंद लिया है। हमारी एक नई प्रस्तुति है और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है और मैं चाहता हूँ कि इसका प्रचार प्रसार भी इसी ढंग से होगा और लोग अवश्य अधिक से अधिक संख्या में अपने दोस्तों के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ, अपने संबंधियों के साथ इसका आनंद लेंगे। KM पांडे जी, जो 12-13 मई को दिल्ली के प्यारेलाल भवन में नाटक मंच का आयोजन किया जा रहा है जिसमें हजारों की संख्या में श्रोता पहुंच रहे हैं, इस नाटक मंच में आपने इंद्र देवता की भूमिका निभाई है, आपको कैसा लगा? देखिए, नाटक में सभी देवी देवताओं की प्रस्तुति है, देवी देवताओं का उनका उनकी भूमिका है, उसमें मुझे इंद्र भगवान की भूमिका मुझे मिली है और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग जो ईश्वर की आराधना करते हैं और ईश्वर का जो स्वरूप है उस स्वरूप को मैं प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। दीपिका जी, ये जो दिल्ली में एक भव्य नाट्य मंच हो रहा है प्यारेलाल भवन में 12-13 मई को, इसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? बाला गौरिया का जो मंचन हम लोग करने जा रहे हैं इसमें मेरी भूमिका कलिंगा की है। कलिंगा बाला गौरिया की माँ है जिन्होंने उन्हें जन्म दिया है, लेकिन कुछ परिस्थितियां उस समय ऐसी थीं कि 7 रानियों ने उसको बालक से अलग कर दिया, बालक को कहीं नदी में बहा दिया। कलिंगा ने बहुत साल अपने बेटे का शायद इंतज़ार ही किया होगा, उसको मैं कलिंगा की भूमिका में महसूस कर रही हूँ और उसका जो मंचन मैं कर रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई देवी शक्ति मेरे अंदर आई हुई है, शायद ऊपर से मुझे कोई आशीर्वाद मिल रहा है जिससे मुझ में एक अलग तरीके की तरंगे या आप कह सकते हैं एक एनर्जी जो मेरे पे आई है उसको मैं पूरी तरीके से महसूस कर रही हूँ। और मेरा मानना है कि ये जो भी हम पटकथाएँ करते हैं, जो हमारी ये सारी पुरानी पौराणिक कथाएँ हैं, इनसे हम लोगों को एक तो भूमि से जुड़ने का, अपनी मिट्टी से जुड़ने का मौका मिलता है, दूसरा हम अपनी संस्कृति को बहुत अच्छी तरीके से जान पाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से मैं कर रही हूँ मैं आगे भी अपनी जनरेशन को बोलना चाहूँगी कि सभी हमारी संस्कृति से जुड़ें और कभी उन्हें ऐसा मौका मिले तो ज़रूर करें, ये मेरा सौभाग्य है। महेंद्र नटवाल जी, इस भव्य नाट्य मंच में आप एक राजा की भूमिका निभा रहे हैं जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है, क्या सिर्फ भूमिका ही अदा कर रहे हैं या उसमें आत्मीय अनुभव भी महसूस कर रहे हैं? जी, आपने सही क्वेश्चन पूछा मुझसे। मैं राजा की भूमिका जो झालराई राजा हैं गोलजू के पिता का रोल में यहाँ निभा रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने पिता का रोल किसी दूसरी संस्था में किया है, झालराई का रोल, तो मुझे बहुत ही गौरव महसूस हो रहा है कि मैं दोबारा से इसको पुनः इस रोल को अदा कर रहा हूँ। बाकी मुझे जो है एक एनर्जी सी इसमें फील होती है कि मैं एक महान जो हमारे देवता थे कुमाऊँ के, उनके पिता का रोल निभा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग यहाँ पर जो हमारे गुणीजन सुधीजन हैं वो इस भव्य मंच को देखें 12 और 13 मई को जो प्यारेलाल भवन में हो रहा है, जिससे क्या है कि और लोगों को जो हमारे जो अज्ञान लोग हैं आजकल की नई जनरेशन, उनको पता चले कि हमारे देवता क्या थे, उनका जन्म कैसे हुआ, क्या उनकी महानता थी, ये पता चले। और दूसरा सबसे जो संयोग की बात है कि मैंने पहले इसको हिंदी में मंचित हुआ था तब राजा का रोल किया था, अब ये क्योंकि कुमाऊनी में हो रहा है उससे ज़्यादा मैं और मतलब मेरे को अच्छा लग रहा है कि मैं कुमाऊनी में एक नाटक कर रहा हूँ। तो आप सभी लोगों से आग्रह है कि वो आप जरूर आइए इस नाटक देखने के लिए। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आपसे आग्रह है कि ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य दबाएं ताकि लगातार आपको वीडियो मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।